नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अनुदेशक न्यूज़। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ रही है। शुरू करने से पहले एक निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें। शिक्षा मित्रों के प्रस्ताव से अनुदेशकों को भी जगी उम्मीद। शिक्षा मित्रों के साथ अब अनुदेशक भी जल्द शिक्षा निदेशक से करेंगे मुलाकात। ये खबर आ रही है, इसमें वायरल हो रही है। सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग में, बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत जूनियर हाई स्कूलों में तैनात अनुदेशक शिक्षकों को एक उम्मीद जगी है। शिक्षा मित्रों के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसी के साथ अनुदेशक भी अब प्रयास लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसी बीच शिक्षा निदेशक से मुलाकात करने के लिए अनुदेशक शिक्षकों ने शिक्षा निदेशक से मिलने का मन बना लिया है। अपनी मांगों को लेकर, अपने प्रस्ताव को लेकर जा सकते हैं अनुदेशक शिक्षक शिक्षा निदेशक के पास, और जाना भी चाहिए। इसमें लोकसभा चुनाव है, जितना एड़ी चोटी का जोर लगाना है लगा लीजिए। ईश्वर ने चाहा तो आपका भला अवश्य होगा। साथ ही एक और खबर वायरल हो रही है, आप लोग ध्यान कीजिए, वायरल खबरें हैं। अनुदेशक न्यूज़ ऐसी खबरों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी वायरल समाचार है, आप लोगों को बताना हमारा फ़र्ज़ है। बाकी बुद्धि विवेक आप सभी के पास है, आप स्वयं अपनी बुद्धि विवेक से विचार करते हुए खबरों को जानें और समझें। 5.5 लाख समुदाय शिक्षकों का होगा समायोजन। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, अतिथि शिक्षक, नियोजित शिक्षक, कस्तूरबा शिक्षक इत्यादि सभी को मिल सकता है लाभ। आपको बताना चाहेंगे, नई शिक्षा नीति के तहत समस्त प्रदेशों में कोई भी समुदाय शिक्षक नहीं रखा जाएगा। उसको या तो समायोजित करना है या उसको बाहर का रास्ता दिखाना है। तो बाहर का रास्ता तो नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन हाँ, समायोजित कर दिया जाएगा उनके पदों पे, ऐसा समाचार है। और शिक्षा नीति यानी नई जो शिक्षा नीति है उसमें यही प्रावधान है, और कोई भी रास्ता नहीं है। तो आप मान सकते हैं कि आपका समायोजन हो सकता है। बस ईश्वर से अपनी प्रार्थनाएँ लगातार जारी रखिए और अपने प्रयासों को बढ़ा दीजिए। जो भी शासन और प्रशासन में आप बात रख सकते हैं, लगातार किसी भी स्तर पर जाकर आप अपने प्रयासों को, अपने निवेदन को, अपनी मांगों को लगातार उठाते रहिए। उम्मीद है आपको लोकसभा चुनाव से पहले आपको ये खुशखबरी समायोजन की मिल सकती है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में क्लियर कर दिया गया है समुदाय शिक्षकों को समायोजित करना होगा। उनको किसी न किसी रूप में उन्हें एक्सेप्ट करते हुए, उनके भविष्य को सुरक्षित करते हुए उन्हें नई शिक्षा नीति के तहत लाभ दिया जा सकता है। एक और समाचार आ रहा है, 29 फरवरी को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे बेसिक शिक्षक। जूनियर शिक्षक संघ ने डीजी स्कूल को लिखा पत्र, प्रेरणा ऐप के माध्यम से उपस्थिति का होगा विरोध। शिक्षा मित्र, अनुदेशकों ने मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि करने के लिए अवकाश के दिनों में कार्य बदले, प्रतिकार अवकाश देने सहित तमाम मांगें उठाई जाएंगी। अनुदेशक और शिक्षा मित्र भी 29 फरवरी को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, दे सकते हैं जूनियर शिक्षक संघ का साथ। तो दोस्तों, ये थी खास खबरें अब तक की। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ अनुदेशक न्यूज़ पर। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक, कमेंट्स और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपकी आवाज़ को हम पहुंचा सकें ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर, शासन और प्रशासन तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।